तो सबसे पहले आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी द ट्रेलर? नुपुर श्रीवास्तव, गिरीश तिवारी और आशुतोष सिंह रतन जी को प्लीज। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टर तरुण जी कुछ बोले। जैसे अभी देख लिया हम लोगों ने कि शिक्षा के ऊपर है पूरी फिल्म। जो हमारी व्यवस्था है, हम लोग देखते हैं इंडिया में, हम लोग भी बचपन से सरकारी स्कूलों में पढ़े, बहुत सारे लोग होंगे शायद जो सरकारी स्कूलों में पढ़े, जिनके साथ इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं स्कूलों में। कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, और सरकार आती है, सरकार जाती है, ये सिस्टम चल रहा है और चलता ही रहेगा करप्शन जब तक है। तो हमने वही दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक मास्टर चाहे तो वो कैसे सुधार ला सकता है अपने स्कूल में, उसी को हम लोग ने अपने फिल्म के जरिए दिखाया। हमारे फिल्म के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर, और कहीं ना कहीं हमारी टीम में भी हेडमास्टर ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ विशेष अनाउंसमेंट भी करना है, और वो हम चाहते थे कि इन्हीं के मतलब मुखारविंद से वो अनाउंसमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये तो जानते हैं, एजुकेशन के को मद्देनज़र रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है। और दरअसल गाँव में जिस तरह का एजुकेशन हमारे ज़माने में वही था और अभी भी वही है, अभी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई लेकिन एजुकेशन की हालत वही है, जो मैंने भी जाके देखा गांव-गांव में। मैं बचपन में भी मैं सरकारी स्कूल में होते थे या मुखिया होते थे, वो तवज्जो दे के और स्कूल बनवा दिया करते थे ताकि बच्चों को एजुकेशन भी साथ साथ दिया जा सके। मेरे नाना जी ने यही किया था कि बिल्कुल छोटा सा गांव था, वहाँ एक स्कूल बनवा दिया, मैं तो उसी में पढ़ा हुआ हूँ 11वीं तक, और फिर स्कूल वो उन्होंने सरकार को दे दी और सरकार वो स्कूल चलाती है। तो मैंने देखा कि जो हालत एजुकेशन की, खास तौर पे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहरों में तो बिल्कुल एक तरह से बिजनेस और धंधा सा बना लिया है, वही जिस तरह का आपने देखा होगा अभी इसमें एजुकेशन को भी धंधे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन ये सब होने के बावजूद कुछ लोग, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो तहे दिल से, दिलो जान से कशमकश करके, जद्दोजहद करके अपना फर्ज निभा रहे हैं। बहुत सारे गाँव में ऐसा है। तो गिरीश ने अभी हमें बताया कि हम उन जगहों पे जाएंगे और पता करेंगे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप थोड़ा सा सर देखिए कि कौन से गांव में किस तरह कोई शिक्षा किस तरह के हैं कि जो एजुकेशन को तवज्जो दे रहे हैं और एजुकेशन पे अपनी जिंदगी निछावर किए बैठे हैं कि बच्चे पढ़ें लिखें पढ़े हों, क्योंकि बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं। हमें चीज़ें समझना, पहले तो सुविधाएं नहीं थी एजुकेशन, अब तो इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए वो आज स्कूल को किस हालत तक लेकर आए हैं। जो भी टीचर्स हैं वो अपने वीडियोस हमें अपलोड करके दें, हम उन वीडियोस को देखेंगे, बल्कि उनको और लोगों तक कहीं ना कहीं सर्कुलेट करेंगे। जो लोग जीते हैं ना जीते हैं, सिर्फ 10 लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास सैकड़ों हजारों टीचर्स के जो वीडियोस आएंगे वो कम से कम उन हजार लोगों को, लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लोग उनको जानेंगे, ठीक है। और जो 10 लोग होंगे उन 10 लोगों को हम बुला के किसी चैनल पर उनको बाकायदे सम्मानित करेंगे, हमारी पूरी टीम जो रहेगी वहां पर रहेगी। और वो गाने गाए जो कि हम नेक्स्ट फंक्शन में लॉन्च करेंगे तो तब सुनेंगे। नेक्स्ट में ये था। और आपका मिलता जुलता किरदार है, तो इस रोल के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारे ये जो प्रोड्यूसर साहब है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में मैं इतना मतलब ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग आंकड़ों की बात करके सिनेमा बनते हैं। मतलब हर एंगल से दुनिया भर की ऑडियंस डिवाइड हो चुकी, क्योंकि क्लासिक फिल्म के बारे में सोचता है कोई क्रिएटिव या कोई कमर्शियल, तो ये जो गणित है, तो हम जैसे कलाकार हैं, हम लोगों को चाहे क्लासिक सिनेमा हो या चाहे कमर्शियल, उसमें सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा किरदार चुनना, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करके अपने आप को थोड़ा सा तराशने का मौका ले लेना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है।
तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद हम सब लोग देना बहुत जरूरी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट को हाथ डालना जिसका कोई फ्यूचर कमर्शियल एंगल से अगर देखा जाए तो नहीं होता। तो ये जो जनजागरण वाली जो बात है, ये बात इन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों तक, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जो सक्सेस जो पाया जाता है, वो सक्सेस कमाने वाले या मतलब क्या कहते हैं उसे, आप ही लोग हो जो ऐसे क्रिएटिविटी संभालने वाले लोगों के साथ आप लोगों का होना बहुत जरूरी है। और रहा सवाल आपने जो कहा हो, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, 7 करोड़ की उस इसमें ये मेरी तीसरी मूवी है। और शिक्षा की अगर बात आ जाती है तो मैं भी बारामती डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा सा गांव है 18-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पे आज भी 3 बार, पहले तो एक ही एसटी आया करती थी, अब 3 बार गांव में एसटी आती है। मेरे गांव में पवरवाड़ी करके छोटा सा गांव है, जहाँ पे अभी भी 32 सिर्फ गांव घर है, 32 घर उसमें है। और एक दूसरे के घर के तरफ जाने का जो रास्ता, जिसे कहा जाता था तो रघुसर की ये खेती है, मेरी ये खेती, उसका जो बांध हुआ करता था वो हमारा रास्ता है आज भी। तो कहने का मतलब कि कुछ सपने लेके इस शहर में आए, बट जब यहाँ पे आया तो अभी ये सब्जेक्ट वही है कि मेरी शुरुआत तो लैंग्वेज से हो गई, मतलब अच्छा हिंदी तो दूर की बात है, और मराठी में भी मतलब हर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जो शैक्षणिक व्यवस्था की बात अगर की जाए तो आज के तारीख में लोग मुझे अपना एक, हमारे गांव का एक यार, मैं कितना अपने आप को शैक्षणिक माध्यम से भी कितना पिछड़ा मानता हूँ कि मेरी जो मैं बोल रहा हूँ मेरी सही लैंग्वेज नहीं है। तो ऐसे मतलब यहाँ आकर अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, जैसे रघु सर ने जो स्टेटमेंट किया कि आज भी वो गाँव वैसे ही है जहाँ पे वो कोई ग्रोथ हुई नहीं है, बट जिस बच्चे ने ये चाहा कि मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना है तो वो भी भाग आए, मैं भी भाग आया हूँ और हर आप लोगों के सामने हम खड़े हैं। एक्चुअल में आज हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी खलबली मची हुई है, और प्रॉपर अगर बात करें तो सरकारी प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं और रोज कुछ नई क्रिएशन की जा रही है, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मन में था कि एक ऐसा हम मैसेज तैयार करें जिससे हमारे साथ जितने भी हिंदुस्तान के प्राइमरी स्कूल के हमारे सहयोगी टीचर्स हैं या जो भी सहयोगी लोग हैं, उनको एक हिम्मत मिले, एक बल मिले कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हीं को लेकर के एक छोटा सा स्टोरी फिल्माया गया, और इसमें सबसे मेन जो थीम था कि अगर एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या किसी तरह का व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, कुछ भी कर सकता है। तो राइट, तो उस मेन मैसेज हमें ये देना था कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, और प्रॉपर जो व्यवस्था को लेकर के आज हर आदमी नर्वस है। आज हम आप चाहे कोई भी व्यक्ति एक प्राइमरी स्कूल को नहीं अपने बच्चे को भेजना चाहते, रीज़न कुछ ना कुछ है मन में है। तो वही हमें डर निकालना था कि चाहत बहुत कुछ करा सकता है, तो यही चीज़ लेकर के हमने इस स्टोरी को क्रिएशन किया था, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा ऑडियंस को भी और जो भी देखेंगे, एक मन में एक नई जिज्ञासा जगेंगी कि नहीं कुछ हम कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, तो ये असल में ये कहानी हमारे जो प्रोड्यूसर भी और राइटर भी, इन्होंने कहानी लिखी हुई है। और तो कहानी हमें कुछ ऐसा मतलब मार्केट में लाना था जो मतलब सब्जेक्ट हमको, मतलब सब्जेक्ट कुछ हो। तो क्योंकि अब इन्होंने बताइए कुछ, आप अपनी लिखा आपने है, तो मैं चाहती हूँ तो वक्त आप चीज़ें बोलें। देखिए, प्राइमरी टीचर्स का जो वैल्यू होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, हम क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 हर शुरुआत उन वहाँ से सीखते हैं, बट अगर श्रेय देने की बात आती है, हम कभी भी अचीव कर जाते हैं, कोई बड़ा से बड़ा चीज़ कर जाते हैं, तो हमारा क्रेडिट किसको जाता है? अगर किसी टीचर को जाता है तो वो हमारा प्रोफेसर होते हैं हमारे, या फिर हमारे हार्डली हाई स्कूल
कॉलेज के प्रोफेसर या हाई स्कूल के टीचर होते हैं, कभी हम किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर को तो याद भी नहीं करते कि हमारे आगे बढ़ने में उनका भी कुछ योगदान है। उसके अलावा दूसरी चीज़ कि प्राइमरी स्कूल का टीचर, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का टीचर कितना हद तक जूझता है इन चीज़ों से, उसके पास सुविधाएं क्या हैं, सरकार की तरफ से कितनी सारी चीज़ें, वर्कलोड उसके पास पड़ा हुआ है और वो किन तरीक़ों से झेल रहा है, ठीक है। उसके बाद दो तरह की चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कहता कि हर जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो उतना ही मतलब एफर्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो उनकी समस्याएं हैं वो भी देखनी पड़ रही है। बहुत आसान होता है कि हम बोल देते हैं कि सरकारी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई क्यों नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो ये फिल्म कारण और निवारण दोनों को दर्शाने का काम करेगी। मेरी सिस्टर खुद एक टीचर है और इनके पापा भी खुद एक टीचर हैं और इन्होंने भी जो है वो एक अच्छा वो रखा हुआ है, टीचिंग से रिलेटेड लोगों को करीब से देखा है, तो हमें लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए। है तो वो काफ़ी मिली, क्योंकि हमने मैंने एक्चुअली देखा हुआ है, इन्होंने भी देखा हुआ है और आपके भी, इनके भी घर में तो टीचर तो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या है कि मतलब पापा को देखा हुआ है कि मतलब मैंने अपने पापा को एक्चुअली स्कूल को बदलते हुए देखा है, मतलब वो उनका स्कूल के प्रति बच्चों से प्यार लगाव, तो उनकी जब छोटी छोटी चीज़ों को देखा तो लगा कि नहीं मतलब टीचर, एक सरकारी स्कूल के टीचर अगर एक अच्छा टीचर तो कितना कुछ चेंज कर सकता है, पूरा स्कूल बदल सकता है। कम से कम 40 स्कूलों में हम लोगों ने विजिट किया था, वहाँ के टीचर्स से बात की, वहाँ के टीचर्स की प्रॉब्लम्स को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पे वर्क करना शुरू किया। एक इत्तफाक था कि मेरी सिस्टर जिस स्कूल में टीचर बनकर पहली बार गई, उस स्कूल की जो हालत थी, उस हालत के बारे में जब मैंने सुना तो लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। अब वो हालत क्या थी वो अभी जिक्र करना सही नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने अपने स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया कि मेरे स्कूल की कंडीशन ये है और मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया है, मैं क्या करूँ, तो हालत धीरे धीरे वहाँ की सुधरी, लेकिन हमें लगा कि इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। फिर चूंकि मैं और नुपुर जी शुरू से हम लोग चाहते थे कि कुछ काम करें तो सब्जेक्टेड कुछ अच्छा काम किया जाए, ठीक है। फिर हमारी तलाश ऐसे ही चली और तो फिर से मुलाकात हुई और फिर सवाल था वो तो भाई उसका, फिर हम आशुतोष जी से मिले और फिर हम तीनों ने डिस्कस किया कि नहीं ये सबसे बेस्ट अभी टाइम के लिए सब्जेक्ट है। कि अब देखिए प्राइवेट स्कूल में काफ़ी पिक्चरें बन चुकी हैं और मैं मतलब आपने उनकी एजुकेशन के मतलब सिस्टम देखे हुए हैं, इस बार अब सरकारी स्कूल की गहराइयों पे हम जाएंगे, सिस्टम पर जाएंगे। और नहीं, इसमें प्राइवेट स्कूल भी है, ब्लैक बोर्ड वर्सेज व्हाइट बोर्ड है, तो ये जो इसमें प्राइवेट स्कूल दिखाए गए हैं वो छोटे छोटे कस्बों में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो हैं, छोटे छोटे कस्बों में जहाँ की टीचर्स की सैलरी 2,000 रुपये 2,500 रुपये, हार्डली 4,000 5,000 से ज़्यादा टीचर्स की सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी क्या होती है और उस स्कूल में पढ़ाई क्या होती है वो उनका भी जिक्र है कहीं ना कहीं इस फिल्म में। तो फिल्म स्टार्ट होकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आप शुरू कीजिए। खुशी बहुत है क्योंकि अगर हम मन में कोई जिज्ञासा रखते हैं और वो जिज्ञासा पूरा होते हुए नज़र आता है तो बहुत एक अलग ही दिल में उल्लास होती है। और उसमें भी सबसे अच्छा बात ये होता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे समाज को ये एक संदेश भी देगा, तो मन में एक और ज़्यादा खुशी की भावनाएं बढ़ जाती हैं। और आज हमने उस चीज़ को पूरा किया और उम्मीद है और कि जो भी चीज़ें हमने तैयार किया है ऑडियंस को और जनता को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और जो भी 2 से 2.5 घंटे समय होगा बहुत अच्छा इंटरटेन करेंगे लोग और कुछ संदेश भी लेके अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों को देंगे। क्या आप इस फिल्म में जो शिक्षा मित्र हैं या जो BTC जो किए हुए स्टूडेंट हैं या BEd के स्टूडेंट हैं और इतने अनशन कर रहे हैं, क्या इस फिल्म में कहीं कुछ दिखाने की आप चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए? एक्चुअल में इस फिल्म में एक पार्ट से ये भी दर्शाया गया है कि एक एवरेज स्टूडेंट रह करके जो हम लाइफ में दिक्कतें या परेशानी का सामना करते हैं तो वो एक्चुअली शिक्षा मित्र के बारे में पूछना चाहते हैं और शिक्षा मित्रों के बारे में भी हमने उठाया है मुद्दा।
उनकी भी जो है सैलरीज वगैरह को लेकर के उनकी समस्याएं हैं और बाकी चीज़ें, उनके सैलरी में जब पेमेंट डिलेज चालू हो जाता है, मिड डे मील के पैसे जो है वो उसमें आने में डिले हो जाता है, बुक्स के पैसे नहीं आते, तो हर वो चीज़ आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद कोशिश तो हमने यही की कि जो मुद्दे लोगों ने हमारे सामने रखे हमको जो कहानी में पिरो सके। इवन जब शूट कर रहे थे उस दौरान हम वहाँ के टीचर से भी काफ़ी मिले, मतलब रांची के रांची में शूट हुआ है तो वहाँ की मैडम लोगों का भी कहना था कि मतलब समटाइम्स ये चीज़ें हो जाती है, अब क्योंकि उनका ये कहना था कि हमको कभी कभी अपने मतलब लगभग शायद उनको अपने पैसों से कई बार, क्योंकि 2-3 महीने उनकी सैलरी आती है तो अपने पैसों से बच्चों खिलाती हैं, मतलब अब जब क्योंकि उनका भी कहना है कि स्कूल हमारे घर की तरह होता है। तो जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं इसमें एक मास्टर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मूवी करके और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत ही खुश था कि हाँ ऐसा चीज़ मुझे करने के लिए मिल रहा है और मिल गया, मैंने किया, अच्छे से किया, बहुत मज़ा आया मुझे करके और प्रोड्यूसर लोग जो भी हैं अच्छे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम है अलिश्मिता गोस्वामी और मैं असम से हूँ। इस फिल्म में मैंने रश्मि का कैरेक्टर निभाया है जो कि एक रिपोर्टर है और बाद में वो लॉयर का भी कैरेक्टर निभाती है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ओह सॉरी सॉरी। जी हाँ, मैंने YouTube पे मैंने देखा था वीडियोस एंड ऑल, जो न्यूज़ रिपोर्टर कैसे करते हैं, एंकरिंग कैसे करते हैं और लॉयर का भी मैंने काफ़ी कुछ मूवीज़ देखी है तो वैसे ही मैंने किया एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। रिपोर्टर्स की लाइफ को एक्चुअली वो लोग ट्राई करते हैं कि सच्चाई को सामने लाए और मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत एक जो सच्चाई को सपोर्ट करती है, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और मैंने वही फील किया कि दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब बट ईमानदारी से अगर निभाया जाए तो हमेशा अच्छा ही होता है। क्योंकि इस मूवी में एक मैसेज है, एक सामाजिक जो इशू है सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है उस पर एक निर्धारित ये मूवी है और इसीलिए आई थिंक आप लोगों को ये मूवी देखने में अच्छी लगेगी। कॉमेडी भी है और मैसेज भी अच्छी मूवी है, पब्लिक इसको अच्छी पसंद करेगी। मैं ये चाहूँगा कि पब्लिक जाए थिएटर से देखे उसको पसंद करें। ट्रेलर लॉन्च, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने ट्रेलर देखी नहीं है मूवी की, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। लोकेशंस रांची में शूट किया गया है, रामगढ़ में, तो वहाँ पे तो एकदम नेचुरल व्यू, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शूट करके और यहाँ पे मुंबई पे भी शूट हुआ है स्टूडियोज़ में तो बहुत अच्छा लगा। हमारा जो सोचा था, हमने ये सोच ये थी कि ब्लैक बोर्ड जो हमारे आजकल सरकारी स्कूल हैं वहाँ आज भी जो है ब्लैक बोर्ड से तख्ती लेके स्कूल जाना, बैग लेके झोला लेके जाना, वही सिस्टम चल रहा है आज भी कि ब्लैक बोर्ड में ही शिक्षा होती है। और जो व्हाइट बोर्ड है वो जो आजकल पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ आजकल प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है और व्हाइट बोर्ड में मार्कर से पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल में आज वही चौक घिस के पूरा डस्टर हाथ में घिसना, तो उसको लेके हम लोग ने एक सोचा था कि ब्लैक बोर्ड वर्सेज व्हाइट बोर्ड शिक्षा व्यवस्था दोनों का एक चेंज डिफरेंस दिखाया था। एक और एजुकेशन की बात मैं कर लेता हूँ, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, मेरा ये मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल सोचना है। ब्लैक बोर्ड मतलब हो गया काली शिक्षा जो आजकल सरकारी स्कूल्स में मिल रही है ना, जिस तरह से आजकल माहौल बना हुआ है सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स अपना काम करते हैं,
बीच में पेपर ऊपर मैं देखता था, स्वेटर बुन रही होती थी मैडम लोग। और वाइट बोर्ड मतलब होता है प्राइवेट स्कूल, जहाँ बच्चों को मार पीट के जो जितनी भी प्रताड़ना हो सकती बच्चों को दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। कहने का मतलब है रट्टू तोता बना दिया जाता है व्यापार। तो मेरे हिसाब से ये जो है ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड, ये मुझे पहचाना आपने ट्रेलर में? देखिए क्या है, फिल्म हमारी बहुत अच्छी है, फिल्म मसालेदार भी है, एक बहुत बड़ी जो है क्या बोलते हैं रेडी, एक क्या बोलते संदेश दे रही है, मैसेज 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 है, और देखना चाहिए ऑडियंस को क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। मसालेदार मसाले मसालेदार फिल्म विद संदेश, ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है और मज़ा आएगा देखने। जी बिल्कुल, ये क्योंकि शिक्षा के ऊपर है और भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, जो शिक्षा पद्धति है हमारे जो हिंदुस्तान में जो प्राइमरी जो नींव होती है, एजुकेशन की नींव होती है एकदम शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, तो उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की। अगर हमारे स्कूल के बच्चे ही नहीं सुरक्षित होंगे तो किस तरह से देश आगे बढ़ेगा? तो हमने ये सोचा कि टैक्स फ्री तो होना चाहिए, अगर हर राज्य अपने स्टेट में दिखाए टैक्स फ्री करे तो शायद। देखिए टैक्स फ्री का क्या है, ये गवर्नमेंट का होता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे होता है टैक्स फ्री, क्या है इसका क्या नहीं है, बट अगर कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचेगा और अच्छा रहेगा, लोग कुछ सीखेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बदलाव दिखाया गया है इस फिल्म में, एक अलग तरह का बदलाव, कि एक स्कूल कैसा एक गंदा सा स्कूल होता है उसके बाद एक ब्राइट स्कूल बन जाता है, तो वैसा लोग भी करने की कोशिश करेंगे मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, टीचर्स इन लोगों के सामने सबके साथ वर्कशॉप करनी चाहिए कि बच्चों को कैसे शिक्षा की दी जाए ताकि बच्चे बाखुशी घर से दौड़े दौड़े बस्तर लेके सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। ये शिक्षक पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ाता है बच्चों को, डरा धमका के पढ़ाता है या प्यार से पढ़ाता है। आजकल तो बस बच्चा अगर कुछ नहीं लिख पा रहा तो पकड़ के घर का गुस्सा बच्चे पे निकाल देते हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। सब प्यार मोहब्बत से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए और बच्चा क्या पढ़ना चाहे तो उस पर भी अगर तवज्जो दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। भैया सबको पढ़ना चाहिए और शिक्षा की कदर करना चाहिए और शिक्षा को समझना चाहिए कि शिक्षा है क्या। जी भैया धंधा तो हो गया है लेकिन ये जो शिक्षा देने वाले लोग हैं जिन्होंने स्कूल खोले हैं उनकी उनको अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी, उनको अपने देश के प्रति अपनी शिक्षा के प्रति वफादार होना पड़ेगा। करिए थोड़ा थोड़ा ठीक है, अगर कमाएंगे नहीं तो खर्चा कैसे निकलेगा, तो करिए लेकिन इतना नहीं कि बच्चे पढ़ ना सके, और गरीब बच्चा तो पढ़ ही ना पाए। शासन को जी एक्चुअली सरकार को चाहिए कि जगह जगह जाके नाप तोल करना चाहिए कि अगर यहाँ शिक्षा की कमी है तो क्यों है, वजह क्या है, सब मिल जाता है, सब पता लग जाता है। हम अभी जहाँ पे शूटिंग करने गए थे वहाँ पता लग गया था कि यहाँ शिक्षा की वक़्त क्या है, शिक्षा क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्या गरीबी की वजह से बच्चों, एक तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए शिक्षा खासतौर पर गाँव में और कस्बों, बिल्कुल फ्री शिक्षा होनी चाहिए। और मैंने ये भी पता किया कि मास्टरों की तनख्वाह भी बड़ी कम है वहाँ पर, तो शिक्षा कोई शिक्षा इस व्यवसाय में आना भी नहीं चाहता, ये भी है सारी। ऐसा लगता है शिक्षा शहरों में आके बस गई है और शहर के अब कहीं और शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते। जी 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 पता नहीं, बिल्कुल याद नहीं, मेरे ख्याल से उनसे बजवा लीजिए वो गाना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक बात बताऊं, ये गाना मैंने 15-20 मिनट में मेरे ख्याल से 1 घंटा लगा होगा गा के और निकल गया और फिर शूटिंग की तो ठीक है, सुनाई भी नहीं दिया मुझे गाना, सुना भी नहीं मैंने, तो मैं सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोनों गाने सुनवा दूँगा मैं। जी थैंक यू
वही मैं कहना चाहूँगा, ये शैक्षणिक व्यवस्था के ऊपर भाष्य करने वाली ये फिल्म है और क्या कहते हैं उसे कि हमारे कंट्री में चाहे केवल इंडिया की बात नहीं करूँगा मैं, कोई भी कंट्री हो वहाँ पे एक शैक्षणिक व्यवस्था अगर सशक्त हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपनी ग्रोथ करेगा वो अलग बात है, बट इंडिविजुअल लेवल की ग्रोथ करने के लिए वो जो परंपरा से आई हुई कोई विचारधारा होती है, कोई अपने कल्चर से कैरी की हुई एक विचारधारा होती है, और कुछ ऐसी विचारधारा होती है जो हमारे गुरुजनों के जरिए हमें वो प्राप्त हो जाए, शिक्षा के जरिए हमें वो प्राप्त होती है। तो मेरा कहना यही है कि जब तक हमारे कंट्री के अंदर वो शैक्षणिक व्यवस्था सशक्त नहीं होती, उसके अंदर का करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक आज की मतलब जो जनरेशन है उनके लिए एक उनके सपने साकार होने के लिए वो जो एक बेस सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये शैक्षणिक व्यवस्था का स्ट्रांग होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के ऊपर भाष्य करने वाली ये फिल्म है। और क्या कहते कि सरकारी, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ चुका हूँ और बीच में ये पिछले 15 20 40 30 सालों के आसपास से शायद सरकारी स्कूलों के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल की भी एक चेन हमारे यहाँ पे शुरू होने लगी, और फिर ये सारी चीज़ें डिवाइड होती गई, मतलब कोई प्राइवेट स्कूल ऐसे लोगों के ऐसे लोग उस प्राइवेट स्कूल के मालिक रहे जिनकी वजह से सुविधाएं तो स्टूडेंट्स को उन्होंने देना शुरू कर दिया, बट सवाल जब शिक्षा का आता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं तो ये बाधाएं आने लगी, उसके बीच में वो करप्शन आने लगा, और मेरा ये मानना कि करप्शन तो हर जगह पे है, उसको कोई एक सिनेमा या कोई एक जेन्यून पर्सन उसको दुरुस्त तो करना बहुत मुश्किल है, बट सिनेमा के माध्यम से वो कहने की कोशिश है इस फिल्म के माध्यम से कि अगर उस हिसाब से कहा जाए तो ये पाप है यार, मतलब शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर का करप्शन है ना, ये पाप है, हम हमारे देश की उस पीढ़ी को बर्बाद करेंगे, जिस पीढ़ी के हाथों में हमारा हमारे देश का भविष्य अगर निर्भर है तो वो पीढ़ी एक ताकतवर पढ़ी लिखी कल्चरल संस्कार प्रिय होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे उस देश की प्रगति के बारे में नहीं सोच सकते हम, तो बस डे टू डे हम हमारे देश की अधोगति के बारे में ही हमें सामना करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है पर्सनल। तो एक ऐसे प्रवृत्ति जो है, जैसे क्या कहूँगा मैं उसे, समाज के अंदर जो इस तरह का करप्शन करने वाली जो एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को साकार करने की मैंने कोशिश की है, जो करते समय भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मैं ये महसूस कर रहा था कि यार मैं अगर अशोक समर्थ को अगर मैं थोड़ा सा साइड करूँ, और जब उस गजराज सिंह को मुझे अगर प्रेजेंट करना है, तो हमारे देश के अंदर इस तरह के लोग भी हैं जो इस शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर का करप्शन को इतने परिचित है और वो खुद उसका मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे परफॉर्म करते समय तकलीफ भी हो गई, बट एक चीज़ मेरे सामने आ गई कि उस प्रवृत्ति को साकार करना ये मेरी ड्यूटी एज एन एक्टर रही है, और वो एक प्रयास मैंने किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।